और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में आए 234 नए केस। तो गुरुग्राम में 198 नए मामले सामने आए, फरीदाबाद में 21 नए केस सामने आए, सोनीपत में 7, अंबाला में 3 नए केस जो हैं वो सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार कोरोना संक्रमण दर में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फरीदाबाद में 21 नए केस सामने आए, सबसे ज्यादा गुरुग्राम में जो है वो मामले बने हुए हैं कोरोना के, सोनीपत में 7, अंबाला में 3 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, दिल्ली में भी फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। पिछले 24 घंटे में आए 501 नए केस, तो आपको बता दें लगातार कोरोना संक्रमण दर में बढ़ोतरी जारी है, दिल्ली में संक्रमण दर जो है उसमें इजाफा हुआ है। अमित चौधरी बल्लभगढ़ से संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, हरियाणा की अगर बात की जाए, कोरोना संक्रमण दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है, हालांकि गुरुग्राम फरीदाबाद को छोड़कर देखा जाए तो अन्य जगहों पर कम है मामले, लेकिन अभी किस तरीके की सख्ती देखने को मिल रही है प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, अगर फरीदाबाद बल्लभगढ़ की बात करें तो यहाँ जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के 21 नए मामलों की पुष्टि की है और 11 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 153 हो गई है। तो पिछले 15 दिनों में अस्पताल में कोई मरीज भर्ती नहीं था, पर सोमवार को 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं, तो वहीं 151 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना के मामले शहरी क्षेत्रों से ही आ रहे हैं, तो वहीं जिले के कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग चौकस हो गया है, साथ ही जिला शिक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है। जिला शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों के लिए कुछ नई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बच्चों को मास्क लगाना होगा और स्कूल परिसर में प्रवेश करने से पहले हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। अधिकारियों प्रबंधकों को प्रयास करना होगा कि बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आने से बचे, यदि कोई बच्चा बीमार है तो तुरंत घर भेज के उसकी कोरोना जांच करानी होगी। यदि बच्चा संक्रमित पाया जाता है तो उसकी जानकारी तुरंत शिक्षा विभाग के अधिकारी को देनी होगी। किसी बच्चे अगर बीमार होने की पुष्टि होती है तो 24 घंटे के अंदर विद्यालय को बंद रखकर परिसर में सैनिटाइज भी कराना होगा। देखिए, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं उसके बाद प्रतिदिन अभी तक लगभग 250 से 300 सैंपल लिए जा रहे थे, लेकिन अब बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिदिन 2000 कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। तो वहीं प्रदेश सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के 4 जिलों में मास्क लगाना जरूरी हो गया है, जिसके बाद अब मास्क के बिना चालान काटे जाएंगे, जो कि लगभग 500 रुपए है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लगातार खाद्य चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद इस तरह के 500 रुपए का चालान बिना मास्क के तो समझा जा सकता है कि एक आम आदमी के लिए खाद में खुजली का काम करेगा। जी, जाहिर तौर पर अमित, और लेकिन जो खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी सख्ती जो है वो कम ही देखने को यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि खासकर कोरोना संक्रमण जब कम हुआ उसके बाद लोगों की लापरवाही यहाँ पर बढ़ी, सख्ती जो है प्रशासन की कम हुई, लेकिन अब जो ये नया फरमान यहाँ पर जारी किया गया उसके बाद असर दिख रहा है क्या? जी देखिए, जिस तरीके से आज के आदेश सरकार का जो आदेश था कि मास्क लगाए जाएंगे और बिना मास्क वालों के चालान किए जाएंगे, उसके बावजूद हम इस समय बल्लभगढ़ के मेन बाजार में मौजूद है, मेन मुख्य सड़क पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बिना मास्क के लोग नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फिर से उसी जो पुराने कोरोना काल के जो चीजें थी, जो दृश्य होते थे, लंबी लंबी लाइनें अस्पतालों के बाहर, अस्पताल बेड के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मरीजों ऑक्सीजन के लिए इंतजार करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी लापरवाही, इस तरह की लापरवाही उसी को न्योता देती हुई नजर आ रही है। जी अमित, फिलहाल क्योंकि अस्पतालों की व्यवस्थाओं की अगर बात यहाँ पर की जाए, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि जून जुलाई तक जो कोरोना की चौथी वेव है वो दस्तक दे सकती है, ऐसे में अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं अभी फिलहाल? देखिए, अगर जिला अस्पताल की बात करें तो उसके लिए पहले से यहाँ तैयारियां दुरुस्त कर ली गई है, या एक अलग से आइसोलेशन होम पूरा बनाया गया है जिसमें लगभग 40 बेड के साथ साथ 200 ऑक्सीजन सिलेंडर का भी यहाँ प्रबंध किया गया है। और बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन के लिए लगातार कैंप लगवाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन कैंप्स जो हैं वो यहाँ पर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल जो हैं वो भी शुरू हो गए हैं अमित, और खासकर स्कूलों में भी कोरोना केसेस जो हैं बहुत ज्यादा, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, स्कूलों को लेकर कितना अलर्ट है प्रशासन अभी फिलहाल? जी देखिए, अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूल प्रशासन की तरफ से कमेटियां गठित कर दी गई हैं और खासतौर पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बच्चे
बिना मास्क के स्कूल में एंट्री करने के लिए परमिशन नहीं दी जाए, उनको सैनिटाइज कराया जाए और अगर कोई बच्चा संक्रमित पाया जाता है तो उसकी जांच की जाए और उसके बाद पूरा जो कॉरिडोर है, जो परिसर है पूरा, उसको सैनिटाइज किया जाए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह स्थिति जो है अमित यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन लगातार ग्रामीण एरियों ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए वहां पर भी सतर्कता की जो है वो कमी बनी हुई है और ऐसी जो सूचनाएं हैं वो गांव गांव तक पहुंचे, इसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से कोई मुहिम जो है वो एक बार फिर शुरू की जाएगी? जी देखिए, अगर बल्लभगढ़ फैजाबाद की बात करें तो ये एक राहत भरी बात है क्योंकि अभी तक जितने भी मरीज यहाँ पर आए हैं सभी शहरी क्षेत्रों से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से अभी अभी तक एक भी मरीज अस्पताल में नहीं पहुंचा है। लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और जिस तरीके से आज मास्क को लेकर चालान के आदेश दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के चालान किए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित चौधरी इस तमाम जानकारी के लिए।